मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पर 2 दिवसीय हड़ताल का किया गया आयोजन। कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर पूरी तरीके से तोड़कर रख दी है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। इसी महंगाई पर रोक लगाने के लिए आज देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल के दौरान मांग की गई कि बढ़ते पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, सरसों के तेलों के दामों पर तुरंत रोक लगाई जाए। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने आम आदमी के जीवन पर खासा प्रभाव डाला है, जिससे आम आदमी परेशान है। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारी विजय पाल सिंह ने बताया कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल सिंह है और मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर का उत्तर प्रदेश सचिव हूँ। जी सर, आज धरने पर लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला है, क्यों बैठे हुए? आज जो धरना है, जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा 28 और 29 मार्च की जो सरकार की जन विरोधी मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसी के क्रम में आज 29 तारीख को हम यहां धरने पर बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से महंगाई जो है, खाने पीने के सामान हो, दवाइयां हो, वो महंगाई ने आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। ऊपर से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की जो कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं और आग में घी डालने का काम कर रही हैं। इसी तरीके से तमाम जो बैंक, बीमा, LIC, रेलवे, तमाम क्षेत्रों को, निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। जो मजदूरों के लंबे संघर्षों के द्वारा अर्जित अधिकार थे, उनको समाप्त करके उनकी जगह 4 लेबर कोड लाया जा रहा है, जो एकदम मजदूर विरोधी हैं और मजदूरों के जो कानून हैं, उनके हक हकूक के लिए जो भी कुछ थोड़े बहुत कानून हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इन सारे मुद्दों को लेके इसी तरीके से जो करोड़ों वर्कर हैं, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, जिनको सरकार अभी वर्कर भी नहीं मानती, उनको वर्कर देने की मांग है। सरकार ने खुद एक ट्राइपार्टाइट कमेटी की मीटिंग में ये माना था, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। तो ये सारी जो मांगे हैं, इनको लेके हमारी ये 2 दिवसीय हड़ताल है। और ये हड़ताल कोई आंदोलन की समाप्ति नहीं है, ये हड़ताल एक आंदोलन की, दीर्घस्थायी आंदोलन की शुरुआत है। अगर सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाती तो आंदोलन जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।